Good morning friends, welcome to today's lecture of agitated thin film evaporator। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर क्या होता है, इसे कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ्स के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जिसको भी वो डाउनलोड करना है वो वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद टूडेज लेक्चर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर के बेसिक्स की। सो फ्रेंड्स, एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। जो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, इट इन्वॉल्व्स एम्प्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ट्रांसमिटिंग हीट इन शॉर्ट स्विफ्ट बर्स्ट टू रिड्यूस सरफेस एरिया एंड प्रोलोंग्ड रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। फ्रेंड्स, एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर को बेसिकली वहां पे यूज किया जाता है जहां पे बेसिकली मेरा एक तो बॉइलिंग पॉइंट का आपका डिफरेंस होना चाहिए और दूसरा जहां पे जो भी मेरा मटेरियल है जिसको मैं सेपरेट आउट करना चाहता हूं वो काफी ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है। मीन्स अगर मैं उसको ज्यादा टाइम के लिए अगर एक्सपोजर दे दूंगा तो वो मटेरियल मेरा डिकम्पोज होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी जगह जहां पे मटेरियल मेरा काफी ज्यादा हीट सेंसिटिव है वहां पे मैं एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर्स को यूज करता हूं। एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर ड्राइंग, सॉल्वेंट रिकवरी, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडिसिन, सॉल्वेंट्स, डेयरी एंड एंजाइम्स। सो फ्रेंड्स, ऐसी सारी जगह पे बेसिकली हम एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर्स को यूज करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर की बेसिक वर्किंग कैसे होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखेंगे तो इसमें आप देखिए ये आपकी एक सेल हो गई, अंदर आपका रोटर लगा हुआ है, ये आपकी जैकेट है जहां से आप स्टीम देते हैं, ये आपका फीड यहां से आप इन करते हैं, ये आपका एंटेनमेंट सेपरेटर लगा हुआ है, ऊपर आपका मैकेनिकल सीव है, देन ड्राइव पुली है और बेसिकली यहाँ से आपके जो वेपर्स हैं वो वेपर्स बाहर निकलते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल आपका बॉटम से बाहर निकलता है। सो फ्रेंड्स, The agitated thin film evaporator it basically consists of two major assemblies। इसमें दो मेजर assemblies रहती हैं, एक आपका जैकेट सेल जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया आपकी जैकेट सेल एंड सेकेंड अ रोटर असेंबली और दूसरा आपकी ये रोटर असेंबली जो यहाँ पे आपके अंदर लगी हुई है which rotates at a high speed inside the cell। जो रोटर असेंबली आपकी सेल के अंदर एक बेसिकली हाई स्पीड से आपकी रोटेट होती रहती है। सो फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल होता है आपका दिस एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर का। जो फीड है इट एंटर्स द इवेपोरेटर एट द टॉप। फ्रेंड्स, इस डायग्राम पे आप देखिए यहां से बेसिकली आपकी जो फीड है वो फीड आपकी एंटर कर रही है टेंजेंशियली टू द सेल। ये आपका टेंजेंशियली एंटर करती है टू द सेल एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सेल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से आपका along the walls डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नीचे की तरफ आती है। द रोटर ब्लेड्स स्प्रेड द फीड इवनली ऑन द हीटेड सरफेस। जो आपकी ये ब्लेड्स लगी हुई हैं रोटर ब्लेड्स, ये क्या करती हैं फीड को प्रॉपर तरीके से आपका ये सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जो आपकी सेल है ये उसके ऊपर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लाती हैं एंड क्रिएट अ थिन फिल्म और वो उसकी एक थिन फिल्म बना देती हैं एंड फर्दर एजिटेट द फिल्म और वो उस फिल्म को पूरे तरीके से इसके ऊपर अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नीचे की तरफ मूव करती हैं। जो आपका हीटिंग मीडियम है पासिंग थ्रू द जैकेट इवेपोरेट्स द वोलेटाइल कंपोनेंट इन द फीड। जो आपकी जैकेट है, जैकेट में बेसिकली आप हीटिंग मीडिया आइदर स्टीम और हॉट वाटर डालते हैं जिसकी वजह से आपका जो भी फीड के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है या फिर जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो वोलेटाइल कंपोनेंट बेसिकली आपका वेपराइज होके टॉप से इवेपोरेट होके बाहर की तरफ आ जाता है। जो आपका वेपर जनरेट होते हैं इट फ्लो काउंटर करंट टू द फीड। जो आपके वेपर जनरेट होते हैं वो फीड के काउंटर करंट डायरेक्शन में, फीड आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वेपर्स आपके बेसिकली उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं एंड गेट्स क्लियर्ड इन द एंटेनमेंट सेपरेटर। और ये एंटेनमेंट सेपरेटर ये जो ऊपर लगा हुआ है इसके थ्रू बेसिकली पास आउट होते हैं लिविंग थ्रू द वेपर नोजल जहां पे बेसिकली आपके खाली वेपर्स को वो जाने देता है और कोई भी लिक्विड आपका नहीं जा पाता है। और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल रहता है फ्रेंड्स वो बेसिकली इस पॉइंट में आपका कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल वो नीचे से डिस्चार्ज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कायदे से समझिएगा। फ्रेंड्स, इसमें ये देखिए, ये आपका पूरा का पूरा सेटअप है। ये आपकी बाहर की, ये आपकी सेल हो गई फ्रेंड्स, ये देखिए ये आपकी सेल है। यहाँ पे बाहर जैकेट में आप स्टीम दे रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा। ये आपकी जैकेट है, जैकेट में आपने स्टीम दी एज ए यूटिलिटी और यहाँ से उसका कंडेंसेट बाहर की तरफ निकल गया। अंदर ये आपकी सेल बनी हुई है, इस सेल में यहाँ से आपने जो भी आपको मटेरियल कॉन्सेंट्रेट करना है उसे एज अ फीड आपने इस पॉइंट से इनलेट किया और अंदर ये आपका रोटर लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे ही आपका मटेरियल अंदर इन हुआ, ये जो रोटर है इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके की ब्लेड्स रहती हैं। ये जब अंदर आपका रोटर मूव करता है तो ये सेल के अंदर इस तरीके से आपका बनाता है। इस डायग्राम में वो ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये बाहर में क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया हुआ है कि जब ये एजिटेटर आपका मूव करता है तो एजिटेटर की ब्लेड्स आपकी इस तरीके से इसको टच करती हुई चलती हैं। रोटर की ब्लेड्स इस तरीके से ये जो आपका सेल है उस सेल को टच करती हुई मूव करती है। तो जो भी आपका फीड इन हुआ वो फीड बेसिकली इस तरीके से, जैसे मेरा ये घूम रहा है आपका पॉइंटर, ये बेसिकली वॉल्स के साथ में टच होके मूव करते 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 नीचे की तरफ आते हैं। और फ्रेंड्स, जितनी देर में वो मूव करता हुआ आपका नीचे की तरफ आता है उतनी देर में उसके अंदर प्रेजेंट जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट होता है वो वोलेटाइल कंपोनेंट आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और टॉप से आपका रिमूव कर लिया जाता है। और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल इसके अंदर बचा वो बेसिकली नीचे से आप कलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर का वर्किंग, बिकॉज कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा कि वो किस तरीके से काम करता है। सो फ्रेंड्स, देखिए बेसिकली यहाँ से आपका फीड आया, ये आपकी सेल हो गई और ये आपका अंदर का रोटर हो गया। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये फीड का जो पाथ होता है ये इस तरीके से हुआ, ये फीड आया और ये बिल्कुल सेल के सरफेस से चिपकता हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रोटर ये बिल्कुल सेल के सरफेस से चिपकता हुआ नीचे की तरफ मूव किया और फाइनली यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड जो भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल है वो यहाँ से निकल गया और जो आपके लो वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हैं वो आपके टॉप से वेपर फेज में वो अलग सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर में फीड से किस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल और वेपर सेपरेट किया जाता है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर। सो फ्रेंड्स, इसमें रेसिडेंस टाइम खाली कुछ सेकेंड्स का होता है, हेंस इज वेरी यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, सिंगल पास इवेपोरेशन विदाउट रिसर्कुलेशन होता है। थर्ड वन, स्केलिंग ऑन हीट ट्रांसफर सर्फेस इज अवॉइडेड ड्यू टू इंटेंस एजिटेशन ऑफ द फिल्म। गुड टर्न डाउन कैपेबिलिटी, फ्रेंड्स स्केलिंग होने के चांसेस काफी कम रहते हैं बिकॉज एजिटेशन का रेट काफी ज्यादा रहता है। लो प्रोडक्ट होल्डअप, इसके केस में जो प्रोडक्ट होल्डअप होता है वो काफी कम होता है। ऑपरेटिंग प्रेशर जो होता है दैट इज अप टू 1 मिलीबार ओनली। डिफरेंट रोटर्स कैन बी यूज टू सूट डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आप अलग अलग तरीके के रोटर्स आप बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली कि एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर के एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट इन बल्क ड्रग्स, फाइन केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। सेकेंड वन, रिफाइनिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ट्रांसफार्मर ऑयल्स। Third one is vacuum distillation of fatty acids, amines, esters. Fourth one is concentration of plant extracts, stripping of monomers, etc. Next, solvent recovery of solvent and products from the residue, and the last one recovery of glycerin from the residue. Friends, ये basically application areas हो गए जहाँ पे हम agitated thin film evaporator को use करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम बेसिकली बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर के। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें रेसिडेंस टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ड्यू टू टर्बुलेंस इंपार्टेड बाय द रोटर, इसके केस में रोटर की वजह से काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। प्लग फ्लो विद मिनिमम बैक मिक्सिंग, ability to handle high solid concentrations and viscous materials, high solid concentrations और viscous materials को handle करने की इसकी capability काफ़ी अच्छी होती है। less product decomposition resulting in higher yields, इसके केस में product decomposition काफ़ी कम होता है। जिसकी वजह से हमें काफी अच्छी यील्ड मिलती है। एंड द लास्ट वन, हाई सॉल्वेंट रिकवरी बिकॉज ऑफ स्क्वीजिंग ऑफ रेसिड्यूज बाय द रोटर। इसके केस में जो ऐसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका रोटर रहता है वो बिल्कुल सेल के सरफेस से चिपक के चलता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की स्क्वीजिंग जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, स्क्वीजिंग होने की वजह से आपकी जो सॉल्वेंट रिकवरी रहती है वो हमें इन कंपैरिजन टू अदर टाइप ऑफ इवेपोरेटर्स काफी अच्छी सॉल्वेंट रिकवरीज हमें इसके केस में मिलती है। सो फ्रेंड्स, एजिटेटेड थिन फिल्म इवेपोरेटर्स के केस में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि रप्चर डिस्क क्या होती है, रप्चर डिस्क किस तरीके से काम करती है और रप्चर डिस्क के क्या यूजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।